बॉलीवुड की दुनिया, जिसे लोग सपनों की दुनिया भी कहते हैं, इस चमकते धमकती दुनिया में कई सुंदर बलाएं भी हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और मासूमियत से न जाने कितने लोगों के दिल जीते हैं। लेकिन ये मासूम हीरोइन जितनी मासूम दिखती है उतनी होती नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, जब इन हीरोइन ने कैमरा के सामने ही दे डाली गंदी गंदी गालियां। नंबर 5 पर है आलिया भट्ट। ये मासूम सी खूबसूरत सी दिखने वाली आलिया जितनी मासूम दिखती है ना, असल में उतनी है नहीं। आलिया ने पिछले कुछ दिनों में काफी हिट फिल्में दी हैं और ऐसे ही एक फिल्म प्रमोशन के दौरान आलिया ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनने के बाद एक इंसान को भी शर्म आ जाए। वो ऐसे हिला रहे हैं वहाँ से, दे दो उसका, दे दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। माय सुन बाना तो गणिया फाट जाए। नंबर 4 पर है जरीन खान। जरीन खान अपने करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ कर चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के बाद ही जरीन ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में हॉट सीन्स भी दिए थे। और एक इंटरव्यू के दौरान जरीन ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद वो खुद भी शॉक हो गई। वो कैमरे पे बोल रही है। हाँ, तो इसीलिए तो जूते चोरी हो गए। नंबर 3 पर है राखी सावंत। अब इस मोहतरमा के बारे में कुछ कहना मतलब खुद के मुंह पर कीचड़ उछालने के बराबर है। अब आप भी सुन लीजिए कि क्या कहा इस मोहतरमा ने। माफी करी सेंसर वालों, कम से कम लवड़े फिल्म में के लिए तो आप ऐसा नहीं करते, और लवड़े फिल्म कितनी मस्त बनी है। नंबर 2 पर है तरन कौर ढिल्लों। तरन एक रैपर है और एक बेवड़ी भी है जो ज्यादातर नशे में ही धुत रहती है, और कब क्या बोल जाती है इन्हें खुद को भी पता नहीं होता। अब देखिए ये मोहतरमा क्या बोल गई कैमरे के आगे। मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, मेरी कान में कुछ और चल रहा है, मेरी कान में कुछ और चल रहा है, हम पाएंगे। नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट में कोई हीरोइन नहीं बल्कि हीरो है, वो है संजय दत्त। संजू बाबा को तो सब जानते हैं, जिन पर हाल ही में एक फिल्म भी आई है, लेकिन बाबा ने भी पब्लिक में कुछ गालियां दे ही डाली। आप भी सुन लीजिए। अरे गालियां ना बोल के बैठ जा। नहीं हुआ रणवीर बाबा, मामा चौधरी, मामा चौधरी। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड सितारों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।